रहमान रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकली चांद। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इदारे एक नया जो तसलसल चल रहा है इलाके महदूद करने और उनको जोन में तकसीम करने का कंपनियों की जानिब से, उस पर रद्द अमल आने के इम्कान हो चले हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने खसूसी गुफ्तगू जब बड़े पैमाने पे की तो उन कंपनियों के जो एक मिसाल के तौर पे मारूफ ब्रांड रखने वाले एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बताया कि हमने अपने बिज़नेस को महदूद कर लिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर एक जो इलाके महदूद करने हम नेशनल वाइड के हिसाब से चल रहे थे, हमने उस ब्रांड के लिए जिस ब्रांड के लिए हमने कारोबार 3 अरब का सोचा हुआ है, उसको जब महदूद किया जाएगा तो वो 1 अरब रुपए पे आ जाएगा। जब 1 अरब रुपए पे माहाना हमारी जो आमदन तो बात की बात है, सेल पोजीशन बनती है तो ऑटोमेटिक आमदन कम से कम हो जाएगी। तो उन इलाकों में उन कारोबारी मामलात में हम अमल दखल क्यों करें और क्यों हम उस मामले को लुक आफ्टर करें जो कि हमारे हदूद में ही नहीं आता। यहाँ हम पाकिस्तान के लेवल की बातें करते हैं लेकिन जब बड़े इदारों को महदूद कर दिया जाए जोन वाइज, इलाका वाइज और बहुत सारी जगह कुछ इससे कबल मार्केट वाइज भी कर दिया गया था, जो कि कारोबारी कत्ले आम था। उसकी बुनियादी सबब ये कहते हैं लोग कि आपकी सेल अगर 2 लाख पीस की है तो अगर आप 2 डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर रहे हैं तो कोई 1,25,000 बेच रहा है, कोई 75,000 या दोनों 1-1 लाख बेच रहे हैं, लेकिन वही जब आप 4 डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो ऑटोमेटिक सेल में फ़र्क आता है जबकि उनकी जो खपत है उसमें फ़र्क नहीं आता। 2 लाख 5,000-10,000 पे पहुंच जाती है लेकिन जब 4 होते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है उनका बिजनेस और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब फ़िलहाल तो नज़र यही आ रहा है कि इलाका वाइज करने से कंपनियां चाहती हैं कि हमारे जो सेल है उसमें इजाफा हो जाए। जो इस वक्त पोजीशन जो चल रही है बज़ाहिर ऐसा लगता है उस पोजीशन के हिसाब से अपने आप को महदूद कर रही हैं, अपनी खपत बढ़ा रही हैं। इत्तला के मुताबिक एक कंपनी जो जोन वाइज करने जा रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर को, तकरीबन उसके मामलात भी हो चुके हैं इस प्रोग्राम में शामिल, तो वहाँ पर वो डीलर से मुलाकात की जा रही हैं, बातें हो रही हैं कि हर इलाके से एक इलाके को एक डीलर से माल फराहमी कर दी जाए और वो इलाके को तकसीम करे। जैसे इससे कबल कुछ चाइनीज़ ब्रांड कर रहे थे, अब इस डगर पे ये भी आ रहे हैं। ये तो खैर बात की बात है कि वो होता है, लेकिन हिकमत अमली आज 31 तारीख हो गई है, ये महीना क्लोज़ की तरफ चला गया है। देखना यह है कि जो मारूफ ब्रांड ने अपनी जो इलाका वाइज जोन वाइज तकसीम की थी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसका क्या फ़ायदा हासिल हुआ और क्या नुकसान। ये तो जो महीने का आज आखिरी जब दिन गुजर जाएगा तो उस चीज़ सामने आएगी। इसके अलावा एक चीज़ भी बड़ी तेज़ी से जो कंप्लेन बढ़ रही हैं वो ये है कि जब वो 4% दिया जाता है उसमें से 1% जब मुकम्मल ना किया जाए तो 3% 1/3 से ऊपर जाने, 100 से 130 के दरमियान जो मिलना था अगर 100% किया जाए तो वो 3% दिया जा रहा है। अब उसमें इत्तला के मुताबिक क्या सही है क्या गलत है ये तो कंपनी और MD फैसला करेंगे, लेकिन वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को लोगों ने अपनी जो रिज़ल्ट है वो भेजा हुआ है, अपना जो इंसेंटिव है जो सेल है उसमें लाखों रुपए का उनको नुकसान हो रहा है। और इस खबर के मुताबिक जो उनको नुकसान हो रहा है वो चाहते हैं इसका अजाला किया जाए। उनको कंपनी के जो आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं कि जो बासर शख्सियात बैठे हुए हैं, बल्कि साउथ में तो आपको भी इलम है हमें भी इलम है कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब
कंपनी के लोग इस मामले को लुक आफ्टर करें और जो हमारे एमडीज़ और उनके मामलात हैं उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। में एलसी की पाबंदी के बायस इन दिनों स्मगलिंग रूज पर पहुँच गई है। लोग पूरी जो नंबर्स हैं वो उन नंबर पर जो स्मार्टफोन और बार फोन के होते हैं वो चलाए जा रहे हैं, अपने जो माल मंगवाया जा रहा है वो उन पर फिट किया जा रहा है। पीटीए में जो नंबर्स जा रहे हैं वो आने वाले नए मॉडल्स की, उससे खुद उन्हें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कस्टम में क्लियरेंस वहाँ से आ रही है या यहाँ रजिस्टर करा रहे हैं। अगर ये वो यहाँ रजिस्टर करा रहे हैं जो कि बज़ाहिर 2 से 3 महीना लगेंगे, उसको 2 से 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो पीटीए ब्लॉक नहीं होता, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कितने स्मगल से आ रहे हैं, कितने स्मगलिंग के बग़ैर आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों बहुत तेज़ी से स्मगलिंग को फ़र्ग हासिल हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि एलसी की पाबंदियां जो लगी हुई हैं सब काम छोड़ के इसको ऑन कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि थोड़ा थोड़ा ही एलसी खोली जाए ताकि लोगों के जो माल रुके हुए हैं, जो मार्केट की जो किल्लत है उस पर भी काबू पाया जा सके और कानूनी ज़राए से माल को मंगवाया जा सके। तो स्मगलिंग का सदबाब करना है तो एलसी को खोलना है का नारा लगाना पड़ेगा। मजबूरी का नाम शुक्रिया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो इल्म में हैं इसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती नज़र बज़ाहिर आ रही नहीं है। कह कह के लोग थक रहे हैं और हुकूमत वक्त जो है वो उसके इल्म में ये आना चाहिए कि स्मगलिंग जो हो रही है उसको किस तरह रोका जाए। यहाँ हर शिफ्ट में वो कहते हैं कि मुफ्त में जो लोग लाते हैं स्मगलिंग के ज़रिए उसके 2 पीस तो रोक लिया जाता है और जो पैसे दे के लाता है उसके 200 पीस भी निकल जाते हैं। दिखावे की ड्रामेबाजी जारी है। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो लोगों की राय है, लोग ये कहते हैं। अगर ये नहीं कहते तो मार्केट में चेक कर सकते हैं आप पीटीए अप्रूव विदाउट पीटीए अप्रूव किस तादाद में मौजूद हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।